हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। तो आ गई हूँ मैं आज के शेयरिंग के लिए। तो चलिए फटाफट से, जो मेरे बिगनर्स दोस्त हैं और जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग की शुरुआत की है या करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी ये सीज़न नए नए प्लांट्स फ्री में ऐड करने का बहुत बढ़िया टाइम है। तो आप फटाफट से ये सारे प्लांट लगा लें जो मैं अभी बताने वाली हूँ। पहला तो ये कनेर का प्लांट है, ये देखिए रोड साइड आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। और इसकी आप इस साइज़ की कटिंग लाके आप पानी में डाल के रख दें और तुरंत, मतलब कम से कम एक सप्ताह बाद उसको मिट्टी में शिफ्ट कर दें। 100% प्लांट लगेगा। उसके बाद ये पीला कनेर, ये देखिए इसकी तो जहाँ पे पेड़ लगे रहते हैं, अगर कटिंग आपसे नहीं लगती तो उसके नीचे इसके छोटे छोटे सीड गिर के पौध निकले रहते हैं। आप उनको निकाल के ले आइए और अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। और ये देखिए, ये दो आप वैरायटी का है, वाइट वाला कनेर, आप इस कनेर को भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑरेंज वाला है, इसमें वाइट भी आता है। आप इनको बड़े आराम से सीड से, इनके पेड़ के नीचे जो सीड गिरे रहते हैं मैंने बताया अभी, तो वैसे भी ईजली कर सकते हैं। और अभी बारिश का टाइम है, इसकी कटिंग भी लग जाएगी, तो आप इसको ला के ज़रूर। कनेर की ही एक और वैरायटी है, देखिए बहुत सुंदर सा कलर खिल के आता है। तो आप इस कनेर की भी अगर कटिंग आपको कहीं से मिल जाए तो ले आइए, और नहीं तो आप नर्सरी से ही ले आएँ। उसके बाद एक से आप कई प्लांट इसको बनाते रहिए। देखिए कितने सुंदर बर्ड्स बन रहे हैं इसमें, ये परमानेंट प्लांट है। उसके बाद ये गौरी चौरी का प्लांट है, ये पीले कलर का बंचेस में से फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर से, और ये कहीं भी रोड साइड आपको मिल जाएंगे, किसी कैंपस में, पेट्रोल टंकी में, कहीं भी। तो इतनी सी कटिंग आप इसको लाके कहीं भी गड़ा दीजिए और आराम से ये प्लांट आपका लग जाएगा। नेक्स्ट है अलामांडा का, इसकी भी कटिंग बहुत आराम से लगेगी। ये देखिए इस साइज़ की कटिंग आप ला के लगा सकते हैं, या नर्सरी से एक बार ले आइए और एक से कई बनाइए। उसके बाद ये पीला वाला अलामांडा है, आप इसकी कटिंग भी, जो वाइन वाले प्लांट होते हैं उनकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है, तो आप इसको भी ला के लगा सकते हैं। ये पीच कलर वाला देसी विस्कस है, आप इसको ला के लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा कोलियस का कॉर्नर, आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, तो आप इस कोलियस को भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में बहुत आराम से, बहुत ईजिली। उसके बाद ये कैना लिली के सारे कलर आप ला के, एक एक बल्ब आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसको भी ला के अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। ये पीकॉक का प्लांट है, इसको मैंने सीड से ही ग्रो किया था हॉस्पिटल से ला के, तो आप भी इसके पेड़ के नीचे जाके देखें, इसके सीड गिरे रहते हैं ब्राउन कलर के पके हुए सीड, आप उनको ला के ग्रो कर दीजिए, ये तुरंत ही प्लांट रेडी हो जाएंगे, या कटिंग भी आप ला के लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यह अपराजिता का प्लांट, आप कटिंग नहीं लगती तो आप इसका सीड कहीं से भी ला के आप इसको ग्रो कर सकते हैं, ब्लू वाले, वाइट वाले, ये दोनों कलर तो आप ला के लगा ही लें अपने घर में, तो बहुत ईजिली ये प्लांट आपके गार्डन में लग जाएगा और हमेशा बना रहेगा। आप नाग चंपा को बहुत ईजिली अपने गार्डन में भी ला के ऐड कर सकते हैं बहुत ईजिली, और देख सकते हैं इसके फ्लावर कितने सुंदर होते हैं। ये देखिए चंपा का दूसरा कलर है, मैं बहुत बेसब्री से इसके फ्लावर का वेट कर रही थी, देखिए। तो मेरे पास मैरून भी हैं, ये देखिए मैरून वाले चंपा, आप इसको भी लाके ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। इस टाइम आप रोज़ प्लांट की भी कटिंग कहीं से लाके ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये देखिए मेरे कटिंग से लगे रोज़ प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है इसी सीजन। आप रेड वाले हिबिस्कस को भी, देखिए कितने सुंदर बर्ड्स बने हैं, इसको लाके ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत सुंदर सा कलर ऐड करेगा। आप गॉम फेरना को ऐड कर सकते हैं, चाहे इसके सीड से चाहे कटिंग से, ये भी बहुत सुंदर सा कलर ऐड करते हैं आपके गार्डन में। आप देखिए थनबर्जिया की कटिंग आप अपने गार्डन में ला के ऐड कर सकते हैं, देखिए ऐसे फूल आते हैं इसके, ये देखिए पर्पल कलर के, ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स बने हैं, तो इसको ला के बहुत ईजिली इसकी कटिंग लगती है। मैंने कटिंग से ही दो प्लांट बनाए हैं, देखिए। बालसम के सारे कलर ला के ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से, सीड से, कटिंग से, बहुत आसानी से लगता है।
आप यूफोर्बिया मिली को भी अभी कटिंग से बड़े आराम से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 4 o'clock को भी आप अपने गार्डन में सीड से बड़े आराम से लाके लगा सकते हैं। बेबी सनरोज की कटिंग आप कहीं से छोटी सीती से भी मिल जाए तो आप इसको भी अपने गार्डन में लाके ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये प्यारा सा लहसुनिया बेल गार्लिक वाइन, इसकी कटिंग भी आपको कहीं से मिल जाए तो आप ज़रूर ला के अपने गार्डन में ऐड करें, नहीं तो नर्सरी से ही ले आए। पहले भी बताई कि वाइन वाले प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से लगती है, इस साइज़ की कटिंग भी लग जाएगी तो इस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें। ये देखिए ऑरेंज टिकोमा है वाइन वाला, अभी खिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये भी मैं कटिंग से ही ला के इसको अपने गार्डन में ऐड की हूँ, आप भी करें। आप कॉस्मस को ला के ऐड करें, इसमें ऑरेंज कलर और पीला कलर, ये पीला कलर है आपको मिल जाएगा तो आप इस प्लांट को ला के ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। ये मल्टी पेटल वाले हिबिस्कस हैं, आप इसकी भी कटिंग ला के लगा सकते हैं। ये देखिए ये सिंगल चांदनी, आप इसकी कटिंग बहुत आराम से ला के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप चाइनीज हिबिस्कस को ला के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत ईजी इसकी कटिंग लगती है, इसकी कलियाँ देख रहे हैं आप। ये डबल चांदनी को भी आप ला के ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत आसानी से लगेगा। हमेशा बोलती हूँ प्लांट तो बहुत हैं, बताते बताते तो वीडियो ही ख़त्म नहीं होगा, तो फिलहाल मैंने जितना बताया है उतना फिला के आप ऐड करें तो चमक उठेगा आपका गार्डन। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, बाय।